ये वो सुरेश बड़ौनिया जी हैं बक्सवा के, इन्होंने ये प्याज लगा रखी है और ये प्याज से काफ़ी इन्होंने तजर्बा लिया है कि अच्छी आमदनी होती है इससे। और इनकी प्याज है जो कब तक आ जाएगी भैया बड़ौनिया जी? बैसाख में आ जाएगी। बैसाख में आ जाएगी हैं। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के ये भी काम कर रहे हैं। बगल में हम देख रहे हैं कि आलू भी लगा है इनका और टमाटर भी लगी है, धनिया भी लगा है, और हम देखें आम का भी इन्होंने पौधा लगाए हैं, कटहल भी लगी हुई है, और ये अमरूद भी फल रहा है, और ये आंवला भी है, और ये गेहूं का लहलहाता खेत है जो कि लाइंग सोइंग की हुई है, केंथा भी लगा हुआ है, यहाँ से फल है उसमें छोटे दिख रहे हैं। और ये देख रहे हैं आम बड़े सीरीज में लगाए गए हैं, लेकिन ये आम काफ़ी नज़दीक लगाए गए हैं, लगता है इनको किसी तरह से तकनीकी मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाया है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। ये भी नए तरह का नई किस्म का आम का पौधा है, तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कृषि विभाग की तरफ से, आत्मा परियोजना की तरफ से, कि इस तरह की खेती है जो का जो तकनीकी अपनाई है वो सराहनीय है, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जाती हैं।